नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पत्थरबाजी। भारी बारिश के दौरान रावी दरिया में बाढ़ के खतरे को भांपते हुए समुदाय विशेष के लोगों के कुल्ले हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर पत्थरबाजी और लाठियों से हमला करने का मामला सामने आया है। वही पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए हवाई गोलियां दागी और लाठी चार्ज भी किया। इस दौरान 2 से 3 पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई है। अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने अवैध खनन पर अब तक का सबसे बड़ा चाबुक चलाया है। उपायुक्त डॉक्टर राघव लंगर के निर्देश के बाद जिला माइनिंग विभाग ने कीड़िया गंडियर इलाके में चल रहे 2 स्टोन क्रशरों को 4,32,00,000 रुपए के लगभग जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना 27 जुलाई को उपायुक्त के नेतृत्व में पहुंची विभिन्न विभागों की टीम के अचूक दौरे के बाद ठोका गया है। जिला भर में देर रात से भारी बारिश से उफनाए नदी नाले। जिला भर में मंगलवार रात 10 बजे से भारी बारिश का दौरा जारी है। रात भर में हुए मूसलाधार बारिश के बाद सुबह 8 बजे तक लगातार मेघ बरसते रहे। बुधवार दिन को रिमझिम फुहारों का सिलसिला देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा। तेज बारिश के बीच जहां दूर दराज इलाके के बरसाती नालों में उफान रहा तो स्कूली बच्चों की उपस्थिति भी काफी कम दर्ज की गई। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।